नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खालिस्तानी समर्थक और भगौड़े अमृतपाल सिंह को 6 दिन बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पंजाब पुलिस की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार अमृतपाल सिंह को असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। बता दें कि पंजाब पुलिस पहले ही खालिस्तान समर्थक के खिलाफ सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगा चुकी है। पुलिस ने 18 मार्च को अमृतपाल सिंह और उसके संगठन वारिस पंजाब डे के सदस्यों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की थी। पंजाब पुलिस की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस आगे की जानकारी बाद में शेयर करेगी। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचें। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। सभी पार्टियां आक्रामक तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज कर्नाटक में बसव जयंती समारोह में हिस्सा लेने के लिए बागलकोट जिले में जाएंगे। इसके बाद वे विजयपुर में एक रोड शो करेंगे, जहां राहुल गांधी बसव जयंती के बाद भक्तों के साथ सामूहिक रूप से दोपहर के भोजन में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लिंगायत समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य के बागलकोट जिले में बसवा जयंती समारोह में भाग लेने के लिए राहुल गांधी को शामिल किया है। बता दें, आज कर्नाटक में रोड शो करेंगे राहुल गांधी, बसव जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। चुनाव को देखते हुए एक्शन में नजर आ रहे हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले लिंगायत समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भी तैयारी में हैं। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी जाएंगे। खबरों के मुताबिक सीएम करीब दोपहर के 2 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन पर काशी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी सतुआ बाबा के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी बैठक करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ जानकारी? मयूरी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आज सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। आपको बता दें कि तय समय अनुसार 2 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर बनारस के एयरपोर्ट से पहुंचेगा, जहां वो जाकर और काशी विश्वनाथ की मंदिर का दर्शन करेंगे। दर्शन के उपरांत वो एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके ठीक बाद वो संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ निकाय चुनाव को लेकर एक समीक्षा बैठक करेंगे। इससे साफ है कि निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं देखें तो कल से जब योगी का प्रचार अभियान शुरू हो रहा है, सहारनपुर से अपने प्रचार अभियान को हरी झंडी देंगे, उससे ठीक पहले आज निकाय चुनाव की एक समीक्षा बैठक को लेकर आज देर शाम बनारस के अंदर में बैठक करेंगे, जिसमें बनारस के जिलाध्यक्ष समेत तमाम क्षेत्रीय नेता मौजूद रहेंगे और जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। जी विवांशु, निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बन सकती है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज देर शाम तक निकाय चुनाव के फेज 2 के जो प्रत्याशियों के नाम है उसके ऐलान की संभावना जताई जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा ये साफ करता है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और निकाय चुनाव को उत्तर प्रदेश के अंदर में लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर एक कहीं ना कहीं गिना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में बीजेपी वहां के मेयर पद और जो नगर पालिका और पंचायत है उसको अपने कब्जे करने के मंसूबे में लेकर लगातार मेहनत कर रही है और उसी की समीक्षा करने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बनारस पहुंचे थे। तो जो विवांशु वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, उस सीएम योगी के साथ और कौन लोग मौजूद रहेंगे और ये दौरा कब तक रहेगा? जी आपको बता दें कि ये दौरा 1 दिवसीय है और मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रीय नेता और साथ ही साथ बनारस के जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक समेत जो भारतीय जनता पार्टी की
घटक दल है अपना दल, उसके भी तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। क्योंकि बात करें तो निकाय चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और इससे साफ है कि कहीं ना कहीं मिर्जापुर बनारस क्षेत्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी अपने निकाय चुनाव में जो भी वहां सीटें हैं उसको अपने तरफ करने के लिए इस मंसूबे से लगातार जो क्षेत्रीय नेता है और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और सीएम योगी उसकी समीक्षा करते और कई दिशा निर्देश दे सकते हैं। जी धन्यवाद व्यूअर्स हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में हैं, जहां आम आदमी पार्टी भी काफी सक्रिय नजर आ रही है। जहां आम आदमी पार्टी अपना प्रचार गीत लॉन्च करेगी, आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गीत को लॉन्च करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों के लिए प्रचार गीत तैयार करवाया गया है। एक राजनेता के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अलग ख्याति है, उनकी संवेदनशीलता की अक्सर चर्चा होती है। दरअसल भोपाल में बीआईपी रोड पर एक एक्सीडेंट के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला अचानक रोकना पड़ा। मुख्यमंत्री पायलट वाहन से घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे में घायल हुए युवकों को अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ गुफा मंदिर की ओर रवाना हुए। वहीं शनिवार सुबह वही राज गढ़ के पचोर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार एक खड़े ट्रक में घुस गई। इस हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। वीडियो में शिवराज सिंह चौहान को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि आपको चोट लगी है। वह घायल युवक को शुभकामनाएं देते हैं और अधिकारियों को घायलों को पास के किसी अस्पताल में पहुंचाने के निर्देश देते हैं। ज्यादा तो नहीं लगी, नहीं, अस्पताल पहुंचा दे। जी कहाँ, भोपाल से? जी भोपाल से। इनको कोई पहुंचाने की आगे सर एम्बुलेंस एक गाड़ी को पहुंचा दीजिए। जी जी ठीक है सर, ठीक है सर। गाड़ी में कौन था? गाड़ी में कौन? वो बैठा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप मिल लीजिए। ठीक है, ज्यादा तो नहीं लगी, नहीं, इनको अस्पताल पहुंचा दे। जी कहाँ, भोपाल से? जी भोपाल से। इनको कोई पहुंचाने की आगे सर एम्बुलेंस एक गाड़ी को पहुंचा दीजिए। जी देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,112 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या अब 67,806 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 29 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 5,31,329 हो गया है। मृत लोगों में सबसे ज्यादा केरला से हैं, जहां 7 लोगों ने पिछले 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत दर 98.66 है। एक्टिव केसों की संख्या 67,806 है, जो कुल संक्रमण का 0.15% है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बार कोरोना फिर से पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है, स्थिति काफी गंभीर होती नजर आ रही है। देखिए मयूर, जिस प्रकार से आपने कहा कोरोना पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है, वो पांव पसार चुका है। अगर बात की जाए तो भारत में पिछले 24 घंटों में 10,112 नए मामले आए हैं और 24 घंटों में 29 लोगों की मौत भी हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा मामला जो है वो केरल से आया, वहाँ पे 7 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। अगर बात की जाए तो तकरीबन 5.5 लाख लोग जो है कोरोना से अब तक जो है, अगर जब से कोरोना ने दस्तक दी है अब तक जो है वो लोग कोरोना से मर चुके हैं। अगर कितने मरीज ठीक हुए हैं पिछले 24 घंटे में इसकी बात करें तो 9,883 मरीज जो है वो ठीक हुए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या देश भर में 67,806 हो गई है। वहीं अगर बात करें राजधानी लखनऊ, ये इलाका भी जो है वो इससे अछूता नहीं रहा है। कल अगर बात की जाए तो वो अगर 141 कोविड धनात्मक मरीज जो है वो पाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज जो है वो आलम
पास क्षेत्र से पाए गए कुल 29 मरीज। अगर उसके बाद जनपद में एक्टिव केसों की संख्या 984 हो गई है, जो कि एक्टिव केस की संख्या में थोड़ा जो गिरावट आ रही है, एक्टिव केसों की संख्या वो कम हो रही है। वहीं अगर बात की जाए तो कुल 142 स्वस्थ हुए हैं, वो कोविड संक्रमण से स्वस्थ भी हो रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ से कोविड संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इसकी दर बढ़ रही है, लोग ज्यादा चपेट में आ रहे हैं, तो राहत की बात यह है कि एक्टिव केस की संख्या वो जनपद में कम हो रही है और जो रिकवरी रेट है उसमें काफी सुधार हो रहा है, लोग स्वस्थ जल्दी हो रहे हैं, तो एक ही राहत की बात जरूर है। विवेक, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो जिस तरह से आप मामले बता रहे हैं, क्या कुछ और स्थिति बनी हुई है और अस्पतालों में कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए, अगर बात की जाए अस्पताल प्रशासन की, तो स्वास्थ्य विभाग से लेके स्वास्थ्य मंत्री तक ने सभी ने अस्पतालों को अलर्ट मोड पे रखा हुआ है और सभी जो अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक है उनको ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अलग से कोविड वार्ड की व्यवस्था की जाए और जो तमाम सुविधाएं हैं और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको पालन करने को कहा गया है। अगर अगर बात करें तो निकाय चुनाव भी नजदीक है, प्रत्याशी कैंपेनिंग कर रहे हैं, इसको लेकर भी बकायदा एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग जो है वो भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन चुनाव को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन जो है वो भंग हो रहा है, इसकी वजह से ज्यादा संक्रमण के दर भी बढ़ रहे हैं। जी, धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। रामनगरी में भव और दिव्य राम मंदिर निर्माण के बीच आज रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा। इसके लिए विश्व के 156 देशों की पवित्र नदियों से जल मंगवाया गया है। वहीं इस मौके पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पहुंचे हैं। बता दें कि दुनिया भर के हिंदू, मुस्लिम और ईसाई देशों के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 156 देशों की पवित्र नदियों से निर्माणाधीन मंदिर का जलाभिषेक किया जाएगा। जलाभिषेक कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या पहुंचे RSS प्रचारक इंद्रेश कुमार और दिल्ली स्टडी ग्रुप के चेयरमैन विजय जौली सहित सैकड़ों राम भक्तों का अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से जो भव्य स्वागत का सिलसिला शुरू है। बता दें कि वह अयोध्या धाम तक जारी रहा। इस बीच अयोध्या वासी हो या फिर दिल्ली से अयोध्या पहुंचे राम भक्त, सभी के जय श्री राम के जय घोष से संपूर्ण वातावरण राममय हो गया। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों की रिमांड आज खत्म हो रही है, जहां तीनों आरोपियों को वापस प्रतापगढ़ जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस ने 3 दिनों तक पूछताछ की, जिसमें तीनों शूटर्स के कई अहम राज उगले हैं। हालांकि माफिया के मर्डर के मास्टरमाइंड का खुलासा होना भी बाकी है। आज रिमांड का आखिरी दिन है। बता दें कि 15 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज आज के कॉल्विन अस्पताल के बाहर पुलिस सुरक्षा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। वहीं उनकी पहचान, बता दें कि आरोपियों की पहचान लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी पाल के रूप में हुई थी। तीनों हमलावरों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिनों के रिमांड में भेज दिया गया था, जो रविवार शाम 5 बजे खत्म हो गई। बता दें कि आज शूटर्स की रिमांड खत्म होगी। वहीं अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि हत्याकांड के मास्टरमाइंड पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बीते दिन प्रयागराज में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, जहां माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ की गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि इस पूरे मामले में 3 शूटर्स सरेंडर कर दिए किए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी। STF को उनकी रिमांड मिली थी। वहीं उनकी पूछताछ आज खत्म हो रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों की रिमांड आज खत्म हो रही है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल मयूरी, बीते 15 अप्रैल को पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया अतीक अहमद तथा उसके भाई अशरफ को मेडिकल कराते समय कॉल्विन अस्पताल के गेट के सामने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। और उस दौरान जो तीनों हमलावर थे, उन्होंने हथियार फेंक कर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।
उसके बाद से इस पूरे मामले पर पुलिस की टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं। एसटीएफ द्वारा इन तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया गया था और आज इनकी जो चार दिनों की रिमांड है वो 5 बजे पूरी होनी है, लेकिन आज चूंकि रविवार होने की वजह से सार्वजनिक अवकाश है, ऐसे में इन तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रतापगढ़ कारागार ले जाया जाएगा और कयास ये लगाया जा रहा है कि इन तीनों आरोपियों को कल फिर से सीजीएम में पेश किया जाएगा, जहां पर इनको और 4 दिनों की रिमांड पर लेने की अर्जी दी जाएगी। तो ऐसे में ये जो आरोपी हैं जिन्होंने अतीक और अशरफ के हत्याकांड के बाद सरेंडर किया था, इन्होंने पूछताछ में तमाम ऐसे राज उगले हैं जो अतीक और अशरफ हत्याकांड में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हालांकि इस पूरे हत्याकांड पर एसआईटी की टीम जांच कर रही है और इस पूरे घटना को लेकर एसआईटी की टीम ने बीते दिनों घटना का रिक्रिएशन भी किया है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अतीक और अशरफ के जो हत्यारे हैं एसआईटी की जांच में, पुलिस की जांच में, ये तमाम राज जो इन्होंने पुलिस के सामने उगले हैं इस पे अतीक और अशरफ के हत्याकांड का खुलासा होगा। हालांकि इसमें तमाम तरह की और भी खबरें सामने आ रही हैं। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो ये जो हमलावर जिन होटल में ठहरे थे, इनको जिन्होंने यहाँ पर मदद दी थी, ये भी नाम पुलिस के सामने आने वाले हैं, एसआईटी के नाम सामने वाले आने वाले हैं। तो एसआईटी की टीम जिस तरीके से अतीक अशरफ हत्याकांड के मामले में जांच कर रही है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इस हत्याकांड में बड़े नामों का भी खुलासा होगा। पुलिस अतीक और अशरफ के हत्यारों से तमाम वो राज उगलवाई है और तमाम वो राज फिर से इनको रिमांड पर लेकर उगलवाएगी ताकि इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो सके। जी मयूरी। पवन, जैसा कि अभी आपने बताया कि जानकारी के मुताबिक पूछताछ में तीनों शूटरों ने कई अहम राज उगले हैं, लेकिन माफिया के मर्डर के मास्टरमाइंड का भी खुलासा होना बाकी है। जी बिल्कुल मयूरी, यह सबसे बड़ा सवाल था कि किस तरीके से ये आरोपी अलग अलग जनपदों से अलग अलग स्थानों से आए थे। जैसा कि खबरें सामने आई उसमें यह देखा गया कि ये तीनों आरोपी एक दूसरे को जानते नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये अपराधी एक दूसरे को जानते नहीं है तो प्रयागराज जैसे शहर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे पाएंगे। लेकिन अभी एसआईटी की जांच में ये सत्य सामने आए हैं कि इन तीनों हमलावरों को 2 अन्य लोगों ने भी इनको पूरे वो स्थान मुहैया कराए थे, इनको वो पूरी सुविधाएं मुहैया कराई थी जिससे इन लोगों ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि ये दो अन्य चेहरे हैं उनके नामों का भी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो चेहरे भी सामने होंगे और निश्चित रूप से जिस तरीके से एसआईटी की टीम लगातार इस पूरे घटना को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, हत्याकांड को लेकर रिक्रिएशन किया गया है, उस होटल का भी नाम सामने आ गया है जिन होटल में इन हमलावरों ने अपने वक्त गुजारे थे, वहां पर इन्होंने इस घटना को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा था और इनके जो मददगार हैं वो किस तरीके से या कौन लोग हैं, कौन वो बड़े चेहरे हैं या बड़े नाम हैं, आने वाले दिनों में इसके भी खुलासे होंगे। तो जिस तरीके से अतीक अशरफ के हत्याकांड का तमाम तरह से चर्चा हुई पूरे देश में पूरे प्रदेश में, आने वाले दिनों में इस हत्याकांड का खुलासा होगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी पवन, देखा जाए शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, चूंकि अगर हम पूरे घटना को देखा जाए तो बीते 24 फरवरी से इस घटना की शुरुआत हुई जब अधिवक्ता उमेश पाल को कोर्ट से वापस जाते समय घर के सामने हमलावरों ने गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया था। उसमें तमाम वो चेहरे सामने आए थे जिनको पुलिस की लगातार तलाश थी। हालांकि अगर उन चेहरों की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ा चेहरा पुलिस के सामने आया था उसमें अतीक अहमद का बेटा अशरफ का नाम आया था। हालांकि अशरफ को बीते दिनों पहले पुलिस और एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया है, लेकिन इस पूरे घटना के दौरान जो सबसे बड़ा एक और चेहरा सामने आया था उसमें गुड्डू मुस्लिम का नाम भी सामने आया था। कहा जाता है कि गुड्डू मुस्लिम बम बनाने में माहिर है, वो सड़क पर चलते चलते बम बना सकता है और वो कहीं भी हमला कर सकता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम अभी तक सामने आया है उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस द्वारा अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। पहले शाइस्ता परवीन के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था, बाद में पुलिस द्वारा इस इनाम की राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। हालांकि शाइस्ता परवीन तब से ही लगातार फरार चल रही है और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि अभी कुछ दिनों पहले जब
शाइस्ता का बेटा अतीक का बेटा अशद इनकाउंटर में मारा गया तथा बीते 15 अप्रैल को अतीक तथा उसका भाई अशद मारा गया। ऐसे में कयास लगाए गए थे कि शाइस्ता परवीन किसी न किसी तरीके से सरेंडर कर सकती हैं। हालांकि अभी तक शाइस्ता का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस की टीमें लगातार शाइस्ता परवीन तथा गुड्डू मुस्लिम के तलाश में जुटी हुई है। जी मयूरी जी, धन्यवाद पवन हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी लगातार आपको खबर बता रहे हैं। हत्याकांड के मास्टरमाइंड पर अभी भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। वहीं आज शूटर्स की रिमांड खत्म हो रही है और आशंका भी लगातार बनी हुई। बता दें कि अभी के लिए इतना ही, आगे आप